गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संज्ञा मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये इतना सा भाग 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिन पेरेंट्स को ये शिकायत रहेगी कि संज्ञा इनके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि संज्ञा अब ये नहीं पूछा जाता कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भाग होते हैं, जबकि अब इनको कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है कि जैसे मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ, राम जयपुर से कल आया, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे कि राम, अंडरलाइन कर दिया, आप पूछेंगे कि पद परिचय बताओ, पद परिचय, तो आप राम की क्या परिभाषा दोगे, फिर कहोगे कि हाँ आप लोगों ने संज्ञा तो हमें पढ़ाया नहीं था। लेकिन मैं यही बात यहाँ क्लियर करना चाह रही हूँ कि राम यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने समझाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसका किसी भी आधार पर वर्गीकरण संभव नहीं है। यहाँ आ गया है आपका नाम राम, यानी कि किसी भी आधार पर उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड सेंटेंस है, मोहन के सिर पर मोर मुकुट है। मोर, यहाँ पर मोर एक किसी नाम से संबोधित नहीं किया गया है, मोर पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए तो मोर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ गया। मोर यदि इसके साथ किसी का नाम काला या गोरा या नीला रख दिया जाता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता, लेकिन यहाँ पर मोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखिए, वह परीक्षा के डर से विद्यालय नहीं जा रहा। अब यहाँ पर वह का परिचय भी पूछ लिया, वह क्या है, सर्वनाम है। मैं बार बार कहती हूँ कि परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाएगा, पद परिचय बताओ। अब पद आगे समझाऊंगी, पहले क्या है, अभी तो मैं संज्ञा समझा रही हूँ। वह परीक्षा के डर से विद्यालय नहीं जा रहा, डर क्या है, यहाँ पर संज्ञा ही है, लेकिन किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है जा रहा, तो ये क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो इस प्रकार पद परिचय देके आपसे संज्ञा भी आ गई, सर्वनाम भी आ गई और क्रिया भी आ गई, तीनों ही चीजें 9th और 10th में पूछ ली जाती है। तो आप सबको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम आदि हम लोगों को ऐसे नहीं पूछा जाता कि संज्ञा किसे कह दिया, सर्वनाम किसे कह दिया। अब आप लोगों से पद परिचय में पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहा जाता है, सर्वनाम किसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ 9th और 10th को, ये पोर्शन अलग से दे रही हूँ। ठीक है।